नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शुक्ला एक बार फिर आपके सामने आपका चहिता प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मार्केटिंग फील्ड में है। तो जो भी इस फील्ड में है, उन्हें जो भी बात करनी है सामने वाले के सामने, इस तरीके से अपनी बात को रखना है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखनी है कि सामने वाला हमारी बात सुन के इम्प्रेस हो जाए हमसे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो उस टॉपिक को लेकर, क्योंकि आज का जो ज़माना है उसमें जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, तो वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाते हैं। पढ़ाई इस सब्जेक्ट की है और चले वो इस सब्जेक्ट इस फील्ड में जा रहे हैं। तो ऐसा जब होता है तो उनके पास क्या होता है कि कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो जाता है, क्योंकि उनको उस विषय पे नॉलेज नहीं होती, वो तो दूसरे विषय से पढ़ाई कर कर आए हैं। तो इस जो ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको उस विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं या उसके सामने जा रहे हैं, किसी इंसान के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम जितना कॉन्फिडेंस से बात करेंगे उतना ही सामने वाला हमसे प्रभावित होगा। और अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा और हम ठीक तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने नहीं रख पाएंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि वो हम पे विश्वास कम कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिससे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले हम खुद जानें, तब हम सामने वाले से उस विषय के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला जो है वो हमारी बात को सुनेगा, ठीक से समझेगा या नहीं समझेगा, हमारी बात उसे समझ आएगी या नहीं आएगी। हमें हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि एक किसान जो होता है, वो खेत में जब बीज डालता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बीज हमें फसल देगा या नहीं देगा, ये कैसी फसल उगेगी, वो तो बस मुट्ठी भर भर के खेतों में अनाज डालता जाता है। और क्या होता है कि कोई अनाज अच्छा पेड़ पैदावार देता है और कोई सूख जाता है और हमें अनाज नहीं मिल पाता उस पेड़ से या उस बीज से। तो जब हम अपनी बात हर किसी के सामने रखेंगे तो कुछ को हमारी बात समझ आएगी, कुछ को हमारी बात नहीं समझ आएगी। तो जिनको हमारी बात समझ आती है वो हमें क्या पता सफलता दिला सके। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपनी बात को हर किसी के सामने रखना चाहिए, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि कभी ना कभी कोई ना कोई हमारी बात समझेगा और हमें काम देगा ज़रूर। इसके अलावा हमें खिलाड़ियों से सीखना चाहिए, कलाकारों से सीखना चाहिए। एक खिलाड़ी हुआ या एक कलाकार हुआ, वो क्या करते हैं, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ रियाज करते हैं उस चीज़ का। वो ये नहीं देखते कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बरसात हो रही है, वो तो बस अपनी धुन में बिल्कुल पक्के होते हैं अपने धुन की, और बस उनको प्रैक्टिस करनी है। एक खिलाड़ी को प्रैक्टिस करनी है, एक कलाकार को रियाज करना है कि वो अपनी कला को कैसे निखारे। रोज़ प्रैक्टिस करके कितना भी बड़ा कलाकार हो आप देखिए, या कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो ये नहीं सोचता कि यार हमको तो आ गया, हम तो खिलाड़ी बन गए, हम तो फेमस आर्टिस्ट हो गए। वो अपना प्रैक्टिस में लगातार बने रहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब हम अपने काम को रोज़ करते हैं तो हम अपने जो कला है, जो हमारा टैलेंट है या जो हमारा ज्ञान है, उसे हम रोज़ निखारते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस करने से ही आदमी सफल हो पाता है और अपने अंदर जो भी गुण हैं उनको निखार पाता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे अलविदा कहती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, आप
इनमें से किसी एक बात को तो जरूर ही अपने जीवन में उतारेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।